हेलो गाइज, एसके मोटो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बाइकों के बारे में जो रिसेंटली दोनों बाइक लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट में। दोनों बाइकों का भी फिलहाल एक दो महीना हो रहा होगा लॉन्च हुए हुए। आज इसी दोनों बाइकों के बारे में हम लोग कंपेयर करेंगे और दोनों का प्राइस आपको लगभग सेम देखने को मिल जाता है, और बात करते हैं कि इन दोनों बाइकों में से कौन सा आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ एक TVS की रॉनिन और दूसरा रॉयल एनफील्ड का हंटर 350। तो इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक बेहतर है आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो गाइस, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं एसके मोटो यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो तरफ और आपको बताते हैं दोनों में से बेस्टर बाइक कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के लुक्स के बारे में। तो TVS रॉनिन का लुक्स काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी फ्रेश लुक, काफ़ी मॉडर्न लुक आपको देखने को मिल जाता है। आपको फ्रंट हेडलाइट देख सकते हैं, फ्रंट हेडलाइट आपको T-shaped DRL देखने को मिल जाता है, फुल LED सेटअप देखने को मिल जाता है, और काफ़ी आपको अच्छा एक वाइब क्रिएट करेगा और काफ़ी एक प्रीमियम फील आएगा आपको देखने को मिलता है। और इसका टाइम भी काफ़ी आपको प्रोड देखने को मिलता है। लुक वही देखा जाए तो TVS रॉनिन मुझे काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। वही हंटर 350 का भी काफ़ी अच्छा है, आपको वही सिग्नेचर जो क्लासिक जो सीरीज आती है उसी का आपको थोड़ा सा टच उसमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि कंपनी थोड़ा सा फ्रेश लुक देने की कोशिश किया है। तो लुक का डिसीजन मैं आप लोग पे ही छोड़ता हूँ, सबका लुक का पर्सनल अपना अपना चॉइस होता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं TVS रॉनिन के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 225 cc का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिल जाता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 20 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 19.93 न्यूटन मीटर का। तो वही बात करते हैं हंटर 350 के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 350 cc का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है जो पावर प्रोड्यूस करता है आपको 20.2 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का। तो पावर में देखा जाए तो पावर में कोई डिफरेंस नहीं है रॉनिन और हंटर में, और वहीं बात करें टॉर्क में तो टॉर्क में आपको 7 न्यूटन मीटर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हंटर 350 का एक्सेलरेशन थोड़ा सा आपको बेहतर हो जाएगा, दोनों में ही आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इन दोनों के माइलेज के बारे में। तो TVS रॉनिन का माइलेज आपको ऑब्वियसली बेहतर होगा हंटर 350 की, इसका इंजन बहुत छोटा है अगर कंपेयर करते हैं हंटर 350 से। रॉनिन का आपको माइलेज अप्रॉक्स माइलेज आपको 40 KMPL का अप्रॉक्स माइलेज देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं हंटर 350 के माइलेज के बारे में, तो इसमें आपको लगभग 30 से लेकर 35 के अप्रॉक्स माइलेज देखने को मिल जाएगा, और माइलेज डिफरेंस भी हो सकता है, सबका राइडिंग एक्सपीरियंस अपना अपना होता है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों के सस्पेंशन के बारे में। तो TVS रॉनिन के फ्रंट में आपको 41 डायमीटर UHD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, वहीं रियर में आपको मोनोशॉक विद 7 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो एक काफ़ी अच्छा बेहतर ऑप्शन बन जाता है और काफ़ी अच्छा कंफर्ट बन जाता है। वहीं बात करते हैं हंटर 350 के सस्पेंशन के बारे में। तो इसके फ्रंट में आपको 41 डायमीटर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, वहीं रियर में आपको ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो इसका भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें 6 स्टेप का एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। हालांकि 6 स्टेप 7 स्टेप एडजस्टेबल से उतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हार्डर साइड करना है तो आप उधर भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर साइड ट्यून करना है आप उधर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉनिन में एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि इसमें आपको UHD सस्पेंशन देखने को मिल जाता है फ्रंट में। तो एक प्रीमियम बाइक जो होता है बड़े सेगमेंट में की बाइकों में ज़्यादातर आपको UHD सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो आपको TVS रॉनिन में देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों के फीचर के बारे में। तो फीचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों बाइकों में। तो TVS रॉनिन में काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं अगर हंटर 350 से कंपेयर करते हैं। तो TVS रॉनिन का जो फीचर का लिस्ट है काफ़ी लंबा है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, T-shaped DRL देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर देखने को मिल जाता है, GPS एंड नेविगेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, USB चार्जर भी मिल जाता है, इसमें आपको साइड स्टैंड कटअप फंक्शन भी मिल जाता है, LED टेल लैम्प, LED हेड लैम्प, LED इंडिकेटर भी मिल जाता है इसमें आपको। इसमें आपको दो राइडिंग मोड मिल जाते हैं, एक रेन एंड एक अर्बन, और इसमें वॉइस असिस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वही बात करते हैं हंटर 350 के फीचर के बारे में। तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है, लेकिन इसमें हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है बल्ब वाला। वहीं बात करते हैं रियर में, तो रियर में आपको LED टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फंक्शन मिल जाता है। तो फीचर के मामले में TVS रॉनिन काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है अगर कंपेयर करते हैं हंटर 350 से। तो यहाँ फीचर के मामले में TVS रॉनिन काफ़ी आगे निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों के टायर्स के बारे में। तो टायर प्रोफाइल सबसे पहले बात करते हैं TVS रॉनिन के। तो TVS रॉनिन के फ्रंट में आपको 110x70 सेक्शन का 17 इंच का टायर देखने को मिल जाते हैं, वही रियर में आपको 130x70 सेक्शन का 17 इंच का
ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करते हैं हंटर 350 के टायर के बारे में, तो इसके फ्रंट में भी 110x70 सेक्शन का 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। वही रियर में आपको 140x70 सेक्शन के 17 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं। तो जब बात कर लेते हैं इन दोनों के ब्रेक्स के बारे में, तो टीवीएस रॉनिन के फ्रंट में 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। वही रियर में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। वही बात करते हैं हंटर 350 के, तो इसके फ्रंट में आपको 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। वही रियर में आपको 270mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो दोनों बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ भी आता है, डुअल चैनल ABS का साथ भी आता है। तो यहाँ पे अगर लोअर वेरिएंट लीजिएगा तो उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, वहीं अगर आप दोनों के डायमेंशन के बारे में आपको डबल चैनल ABS देखने को मिलेगा। टीवी बात कर लेते हैं दोनों के डायमेंशन के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं टीवी रॉनिन के डायमेंशन के बारे में। तो इसका कर्वेट आपको 159kg का कर्वेट आ जाता है, 181mm का ग्राउंड क्लियर देखने को मिल जाता है, 795mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है और 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। हंटर 350 के डायमेंशन के बारे में, तो इसमें आपको 181kg का कर्वेट देखने को मिल जाता है, 150mm का ग्राउंड क्लियर देखने को मिल जाता है और 800mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है और वहीं 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। तो कर्वेट की बात किया जाए तो कर्वेट आपको लगभग 22kg आपको भारी मिलता है हंटर 350, और आपको 30mm आपको कम मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस और 5mm सीट हाइट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस हो जाता है ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी इसका लो है। अगर आप ब्रेकर पे इसका ज़्यादा टच होने का चांसेस बना रहेगा हमेशा, अगर आप डबलिंग या ट्रिपलिंग करेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपको 100-350 ब्रेकर पे नीचे टच होने का चांसेस ज़्यादा है। और कर्वेट भी इसका ज़्यादा है अगर आप थोड़ा से अगर आपको चलाने में थोड़ा सा हेवी फील होने वाली है 100-350। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस रॉनिन के प्राइस के बारे में, तो इसका एक शोरूम आपको 149,000 से लेकर 168,000 के एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। वहीं इसका ऑन रोड प्राइस आपको 175,000 से लेकर 205,000 तक ये अप्रोक्स जाता है। वहीं बात करते हैं हंटर 350 के प्राइस के बारे में, तो हंटर 350 का एक शोरूम आपको 1.5 लाख से लेकर 170,000 के अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसका ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको 175,000 से लेकर 2 लाख के अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो प्राइस वाइज देखा जाए तो प्राइस वाइज लगभग दोनों का सेम है, एग्जैक्टली कम्प्लीटली सेम है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस आ जाता है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो वहीं बात कर लेते हैं इन दोनों के कंक्लूजन के बारे में कि कौन सी बाइक लें या कौन सी नहीं। तो सबसे पहले बात आ जाता है कि यहाँ पे आपको लुक सबसे पहले कौन पसंद है। लुक का अगर आपको लुक से कोई मतलब नहीं है, लुक आपको दोनों का पसंद है, तो यहाँ पे दूसरा बात आता है कि अगर आपको फीचर किसका ज़्यादा है। तो फीचर का अगर आप लवर है, फीचर के शौकीन हैं और एक आपको एक नया फ्रेश लुक बाइक चाहिए, तो आप टीवीएस रॉनिन की तरफ जा सकते हैं। और आपको माइलेज भी काफ़ी एक बेहतरीन बन जाता है, आपको एक प्रीमियम सेगमेंट वाली जो बाइक होती है आपका वो फील देगा टीवीएस रॉनिन। वहीं हंटर 350 अगर आप रॉयल इनफील्ड के शौकीन हैं, एक रॉयल इनफील्ड एक नहीं हो जाता है आपको बुलेट हो जाता है, क्लासिक 350 होता है, तो ऐसा आपको फील देगा हंटर 350। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको एक प्रीमियम फील लेना है या फिर आप एक रॉयल इनफील्ड का एक प्रोडक्ट चाहिए, तब जाके आप लें। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो आप टीवीएस की रॉनिन ले सकते हैं, हालांकि सबका पर्सनल चॉइस होता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ऐसे इस वीडियो का विनर रहता है टीवीएस रॉनिन। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, इसके लिए स्टे ट्यून, राइड हार्ड, राइड सेफ।